हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। आप देख रहे हैं मिशन आईएएस और यहाँ पे जो हमारी क्लास है वो आज निबंध की है, एसे की है। हमने दिया था एक आपको टॉपिक जिस पर आपको एक निबंध लिखना था। एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आपने बहुत ही बेहतरीन जवाब लिखे हैं मगर उसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। तो वो जो एसे है इसमें क्या आपसे अपेक्षा की जाती है, आपसे उस निबंध में क्या अपेक्षा की जाती है हम डिस्कस करेंगे, और आपको क्या एक्स्ट्रा लिखना था उसमें, क्या पॉइंट वहां पर हो सकते थे, सब बातें हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, बिशन, मुकुल, राजमणि, देविका, संतोष, कुणाल, ममता, प्रीति, कपिल, रितेश, विनोद, लवप्रीत, ज्योतिस्मिता, कस्तूरी राणा, रोहित सिंह, दिव्यांशु, राम कुमार, अंजू, सोनिया, सुशील, समांथा, शिवानी कनौजिया, अनीता मलिक, बहुत अच्छे, आरआरसी वर्ल्ड, कृष्णादास, सविता कुमारी, प्रवेश, बहुत ही बेहतरीन। सभी दोस्त मारा चुके हैं। एक बात और, आज की जो वीडियो है, आज के वीडियो की लेटेंसी बहुत ही कम है। इसकी जो लेटेंसी है बहुत ही कम है, मतलब कि जैसे ही मैं कोई सवाल पूछूं और उसका जवाब आप तुरंत देंगे, वो मुझे तुरंत यहाँ पर दिखेगा, कोई डिले नहीं होगा आज। ठीक है ना? तो जब मैं पूछूं यहाँ पर आपसे कि आपको यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, आप क्या पॉइंट लिखेंगे, तो सबको बताना है यहाँ पे। जैसे मैं सवाल पूछूं आप बताइएगा, तुरंत मुझे आपका जवाब यहाँ पर दिखेगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपको पहले समझना है कि जो ये वाला एसे है इसकी डिमांड क्या है, आखिर यहाँ पर ये पूछना क्या चाहता है। सबसे पहली बात, एन आई फॉर एन आई, हम लोग यहां पर सिंपल बात समझ सकते हैं कि यहां पर बात हो रही है बदले की। अगर किसी ने आपको क्षति पहुंचाई है तो आपके मन में एक रिवेंज की भावना होती है, एक बदले की भावना होती है। तो उसने आपके खिलाफ कुछ किया, आपने कुछ किया उसके खिलाफ, फिर उसने दोबारा आपके खिलाफ कुछ किया, तो इस तरह से जो आपका जो एक्सचेंज है, मतलब कि जो हेट्रेड नफरत का ये जो आदान प्रदान है वो चलता रहता है। ठीक है ना? इस नफरत के बीच में जो दुनिया है वो अंधी हो जाती है, अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है। तो यहाँ पर इसका जो मेन जो थीम है वो है नफरत। यहाँ पर वो जो मेन थीम है वो है बदला। एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो पहला थीम क्या है? बदला। दूसरा थीम क्या है? अगर हम आंख के लिए आंख नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? हम क्षमा करेंगे। क्या करेंगे? हम क्षमा करेंगे। ठीक है ना? यहां पर जो पार्डन है वो है PARDON, पार्डन। ये आपका है रिवेंज। क्लियर है? इससे आप और क्या समझते हैं? इससे आप और क्या समझते हैं? रिवेंज इज सेम एज ओरिजिनल ऑफेंस। बिल्कुल सही। अरे वाह, अच्छे अच्छे कोट लिख रहे हैं आप लोग। ठीक है, न्यू सिस्टम का फायदा है ये। बिल्कुल, आज नए सिस्टम पे हैं, आज हम लोग नए सिस्टम पे हैं। आपको आज कहीं भी अटके अटकेगा नहीं, आराम से एकदम स्मूथली चलेगा। आज मैं भी थोड़ा सा दिख रहा होऊंगा, थोड़ा सा वैसा, थोड़ा सा दूर टाइप का। ठीक है ना? दूर थोड़ा सा कैमरे से। तो यहाँ पे जो पहला है वो है बदला, दूसरा है आपका क्षमा। तो इस ऐसे का आप शुरुआत कैसे करेंगे, इस उत्तर का आप शुरुआत कैसे करेंगे, ये सबसे पहली बात होती है। हमने आपसे जो मेरा उत्तर है वो मैंने शेयर किया था, आपके साथ जो मैंने अपना उत्तर है वो मैंने शेयर किया था, याद है? कहाँ गया मेरा उत्तर? मेरा उत्तर खो गया मेरे। हाँ, मिल गया। ठीक है, डाउनलोडिंग। अभी डाउनलोडिंग में देखो ध्यान से, आपका जो यहां पे पहला है, आपको देना है यहां पे एग्जाम्पल। आपको जो देना है यहां पर एग्जाम्पल, शुरू से अंत तक, शुरू से इतिहास के शुरुआत से इतिहास के अंत तक, बस आप एग्जाम्पल देते जाइए कि कहाँ पर आँख के बदले आँख मांगा गया था, कहाँ पर बदला, कहाँ पर क्षमा मांगा गया था। एकदम शुरू में आ जाओ,
एकदम शुरू में इतिहास कहाँ शुरू होता है? हमारा इतिहास, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि हमारे जो कृष्ण वगैरह सब बाद में, पहले आपका है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या वहां पर हमको कोई बदला और क्षमा दिखता है? क्या मुझे कोई ऐसा केस मिलता है वहां पर जो कि बदला और क्षमा का कोई बात हुआ हो? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आपका आता है मौर्य साम्राज्य। नंदवंश के बाद वहां पर मौर्य साम्राज्य का गठन होगा। तो मौर्य साम्राज्य जब स्थापित हुआ था, तो क्या आपको वहां पर बदला और क्षमा दिखता है? ठीक है ना? क्या वहां पर बदला और वहां पर क्षमा दिखता है? ध्यान से बताइएगा, मुझे एग्जाम्पल दो। जितना आप एग्जाम्पल देंगे ना, उतना बेहतर ये लेक्चर होगा। ठीक है? मौर्य काल में क्या हमको दिखता है बदला और क्षमा? अशोक के टाइम में, कलिंग में, क्षमा हमें दिखता है। अशोक ने जब संघ की स्थापना करी थी, तो वहां पर उसको जो एक जो है ना, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ था। मगर ये एग्जैक्ट बदला यहां पर कोई नहीं ले रहा है। अशोक तो जीत गया, तो अशोक से कोई बदला ले रहा है क्या? नहीं, कोई बदला नहीं ले रहा। इतिहास में तुम आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? गुप्ता एम्पायर मिलेगा। ठीक है? गुप्ता एम्पायर मिलेगा। फिर उसके और आगे आ जाओ, इतिहास में आप आगे आते चले जाओ, जहां जहां पर बदला और क्षमा मिलता है, वहां वहां पर उसका एग्जाम्पल आप देते चले जाइए। ठीक है? बढ़िया। नहीं, चंद्रगुप्त का कुछ नहीं था वहां पे। यहां पे क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं सबसे अच्छा? आते जाइए इतिहास में, आपको जो पहला एग्जाम्पल बढ़िया सा मिलता है, वो है यहां पे वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हारा था। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हारा था। तो यहां पर जर्मनी से बदला लेने के लिए, जर्मनी से बदला लेने के लिए जो एलाइज हैं, उन्होंने जर्मनी से पूरा एकदम निचोड़ लिया। कहते हैं कि जो नींबू है, नींबू को निचोड़ो, थोड़ा सा और निचोड़ो। तो जर्मनी से जो सारा खर्चा है युद्ध का, वो लिया गया था। जर्मनी को डिसार्म कर दिया गया था। उसको जो आर्मी है उसको लिमिट कर दिया गया था। वहां के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो ये जो ह्यूमिलिएशन है, ये जो यहां पर क्या कहते हैं उसको, यहां पर आपका जो अपमान हुआ जर्मनी का, केवल जर्मनी जिम्मेदार तो नहीं था। वर्ल्ड वॉर 1 के लिए क्या केवल जर्मनी जिम्मेदार था? नहीं, केवल जर्मनी जिम्मेदार नहीं था, उसके अलावा बहुत सारे जो आपके एलाइज हैं वो भी आपके जिम्मेदार थे कि नहीं थे? है ना? तो यहां पर जो बात है वो ये है कि आपने अपना जो यहां पर गलती है, उसकी सजा आपने जर्मनी से ली। तो क्या हुआ इसके बाद? जो हिटलर है उसका राइज हुआ। इसके बाद जो हिटलर है उसका राइज हुआ, और उसने जो बदला है वो लिया। अगर एलाई कंट्री ने क्षमा कर दिया होता, अगर एलाई कंट्री ने क्षमा कर दिया होता, तो क्या जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर करता? नहीं, नहीं करता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई गुना ज्यादा जान माल की हानि हुई थी, पूरा विश्व अंधा हो गया था। जब जर्मनी ने एलाइज की एक आंख ली, तो एलाइज ने जर्मनी की दूसरी आंख ले ली, और पूरे विश्व को वर्ल्ड वॉर 2 में झोंक करके अंधा बना दिया। अच्छा लगा एग्जाम्पल? आपको ऐसे ही एग्जाम्पल देने हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, देखो, एकदम कंटेम्पररी। आपने यूएसए में सुना होगा, जॉर्ज फ्लॉयड हैं, एक ब्लैक व्यक्ति थे जिनकी पुलिस ने हत्या कर दी थी। गर्दन पर पैर रख के खड़े थे, घुटना रख करके, उनकी सांस नहीं ले पाए और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है? यहां पे जो ब्लैक कम्युनिटी है अमेरिका का, वो काफी गुस्से में है। ब्लैक कम्युनिटी है वो काफी गुस्से में है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया
यू आर लकी डैट ब्लैक पीपल आर आस्किंग फॉर इक्वालिटी एंड नॉट फॉर रिवेंज। व्हाइट लोगों से उसने कहा कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि हम लोग तुमसे केवल बराबरी चाहते हैं, तुमसे बदला नहीं चाहते। अगर बदला, अगर ब्लैक कम्युनिटी व्हाइट कम्युनिटी से बदला लेगा तो क्या होगा? एक गृहयुद्ध छिड़ सकता है, जो समाज में जो अशांति है वो फैल सकता है, देश का पूरा जो माहौल है वो खराब हो सकता है। क्या हम इसका सेम केस देख सकते हैं भारत में? भारत में केस आपका है जो है दलितों का, जो केस है वो दलितों का है। जिस तरह से पूरे इतिहास में दलितों को सताया गया है, दबाया गया है, दलित आज केवल बराबरी चाहते हैं, है ना? क्या दलित आपसे रिवेंज चाहते हैं? क्या आपसे बदला चाहते हैं कि तुमने हमको अछूत क्यों माना इतने साल, इतने सदी? पीढ़ियां बर्बाद कर दी दलितों की, है ना? उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं रहा जरा भी। तो क्या वो लोग रिवेंज मांग रहे हैं? क्या बदला मांग रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि हम क्षमा करते हैं आपके गुनाहों के लिए, हमें बस इक्वालिटी दे दो। तो आप ये जो तीन एग्जाम्पल है इससे अगर आपने शुरू कर दिया, पहला एग्जाम्पल दुनिया का, दूसरा एग्जाम्पल आपके इंडिया का ही, तीसरा भी आपके इंडिया का ही, क्या मजा नहीं आ जाएगा? आएगा ना मजा? ठीक है, बढ़िया, ठीक है। एक बात और, यहां पे आपने देखो, हमने आपको अभी तक तीन एग्जाम्पल दिया है। क्या दिया है? पहला एग्जाम्पल दिया है हमने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 का, हिटलर का मैंने एग्जाम्पल दिया है। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया ब्लैक कम्युनिटी, ब्लैक वर्सेस व्हाइट यूएसए का। तीसरा मैंने एग्जाम्पल दिया दलित, दलित। चौथा एग्जाम्पल क्या है जी? चौथा एग्जाम्पल है, मान लो कि अस्पताल में आप अपने किसी परिजन को ले गए, आप अपने किसी परिजन को ले गए, किसी कारण से परिजन नहीं बच पाए, उनकी मृत्यु हो गई। तो कई सारे जो होते हैं लोग, वो डॉक्टर को ही मारने लग जाते हैं, उनको लगता है कि डॉक्टर ने ही मारा है। तो होता क्या है, पेशेंट का घर वाला मारता है डॉक्टर को, डॉक्टर बैठ जाता है हड़ताल पे। क्लियर है? वो बैठ गया हड़ताल पे। अब होगा क्या, डॉक्टर के हड़ताल पर बैठने के कारण जो बाकी मरीज हैं उनको नुकसान होता है, उनको नहीं मिल पाता इलाज। तो कौन होता है प्रभावित? जो पूरा दुनिया है वो बनता है अंधा, वो होता है प्रभावित। तो यहां पर जो मरीज है, मरीज डॉक्टर, यहां पर ये कर देंगे, ठीक है ना? मरीज डॉक्टर भिड़ंत। क्लियर है? चलिए, आपके पास और कुछ एग्जाम्पल हैं? बैकवर्ड क्लास एम के गांधी ने किया था दलित लोगों को इक्वल करने का स्वराज के लिए। ठीक है, स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट आपको एग्जाम्पल से ही करना है। अच्छा, शुरू कैसे करें? ऐसे को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका कंटेक्स्ट बता दो, उसका कॉन्टेक्स्ट बता दो। मतलब कि उसका जो रिसेंट टाइम में, हाल के समय में कोई अगर एग्जाम्पल है तो वो दे दो। मतलब कि ये ऐसे पूछा क्यों गया है? एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। यहां पर जरूर कुछ ना कुछ बात हो रही होगी बदले की। अगर इस मेंस में सवाल पूछ दे, इस ऐसे में सवाल पूछ दे, तो हम क्या कहेंगे? ये पूछा गया है, हो सकता है ब्लैक कम्युनिटी के बारे में ही। जो एग्जामिनर है उसको ब्लैक वर्सेस व्हाइट दिखा होगा, उसने सवाल ये वाला आपको पूछ दिया। क्लियर है? तो यहां पर आपको शुरू करना है एग्जाम्पल दे करके, ठीक है ना? आपको शुरू करना है एग्जाम्पल दे करके। मैंने शुरू कैसे किया है वो देखो, यहां पे देखो, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, इट इज अ फेमस कोट स्टेटेड बाय आवर गांधी जी। द स्टेटमेंट वॉज मेड इन द बैकड्रॉप ऑफ राइज इन कम्युनल राइट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। ये जो कोट है, कोट का मैंने कंटेक्स्ट बता दिया कि आखिर कोट गांधी जी ने कहा क्यों था। भारत में दंगे हो रहे थे, आजादी के पहले
पाकिस्तान की डिमांड करी जा रही थी और दंगे हो रहे थे। होता क्या था, मुस्लिम लीग ने एक दंगा कराया तो हिंदू उस दंगे का बदला कहीं और लेते थे। बंगाल में कोई दंगा हुआ, मतलब कि अगर कोई दंगा मुस्लिम मेजोरिटी इलाके में हुआ है ना, तो अगला दंगा हिंदू मेजोरिटी इलाके में होता था। समझ बात, मतलब कि एक दंगे का बदला दुबार लेते थे। गोधरा कांड हमारे यहाँ हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो बदले की भावना है वो इंसान को अंधा कर देती है। तो मेरा जो उत्तर है वो शुरू हुआ है यहीं से, ठीक है। मेरा जो उत्तर है वो शुरू हुआ है यहीं से। मैंने जो आपका कंटेक्स्ट है, मैंने ये बता दिया है कि ये गांधी जी ने कहा था जब दंगे की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो इशू है वो फैल गया था भारत में। टू पैसिफाई द मॉडरेट एंड रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म वेयर इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्लीमेंट दिस रिफॉर्म ICA 1909 पास्ड। अब इसने किया क्या, किसने सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करा दिया, ठीक है ना। मतलब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जा रहा हूँ कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई इन सब की, क्लियर है। तो आप उत्तर में करना क्या है, जो कोर्ट है कोर्ट को आपको बार बार स्ट्राइक करना है, कोर्ट को आपको बार बार स्ट्राइक करना है एग्जाम्पल दे करके। जितना आपको एग्जाम्पल याद आए सारे एग्जाम्पल आप दे दीजिए। पांचवा क्या हो गया जी, पांचवा आपका हो गया हिंदू मुस्लिम दंगा, है ना। छठा क्या हुआ, भारत। ध्यान सुनना, मैं आपको लिखा रहा हूं एग्जाम्पल, भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है ना। सातवां ट्रेड वॉर, ट्रेड वॉर। जैसे ही यूएस ने टैरिफ लगाया, चाइना ने दोबारा काउंटर टैरिफ लगाया, है ना। तो ट्रेड तो एग्जाम्पल हो गया, जो ट्रेड वॉर है ये भी तो एग्जाम्पल है आई फॉर एन आई का, समझ गए बात। तो किस तरह से आपका जवाब आपके एग्जाम्पल के जरिए लिखा जाएगा, क्या आप समझ सकते हैं। अच्छा, ऐसे शुरू कैसे करना है आपको मैंने पैराग्राफ बता दिया, मगर रियल में शुरू कैसे करना है ये समझो। जैसे ही आपको टॉपिक मिल जाए, टॉपिक मिलते ही आपको आ जाना है एकदम पिछले पेज पर। पिछले पेज पर आ करके जो पूरा फ्रेमवर्क है वो बना लो। क्या करो, जो पूरा फ्रेमवर्क है वो बना लो। देखो मैंने कैसे बनाया है फ्रेमवर्क, मैंने जो सारे एग्जाम्पल है वो मैंने लिख लिया है। जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कौन सा एग्जाम्पल है, जो आपका यहाँ पर वर्ल्ड वाले में कौन सा एग्जाम्पल है, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में एक जगह जीता था यूएसएसआर, तो उसको हराने के लिए दूसरा जगह रेस शुरू हो जाता था अमेरिका के द्वारा, ठीक है ना। तो पहला आपका है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या क्या इशू है, इसराइल पलिस्तीन का, सऊदी ईरान का, यूएस चाइना, यूएस रशिया, इंडो पाक। ये जो आपको पांच संबंध दिख रहे हैं, ये सारे संबंध कटु हैं, सब में बदला की भावना है। इसराइल पलस्तीन दुश्मन है, सऊदी ईरान दुश्मन है, यूएस चाइना दुश्मन है, रशिया चाइना दुश्मन, यूएस रशिया दुश्मन है, भारत पाकिस्तान दुश्मन है, ठीक है ना। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो आपका ज्ञान है काम आएगा। अब आ जाओ पॉलिटिक्स में, ठीक है। यहां पे जो कई सारे आपके जो यहां पर पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भिड़ते रहते हैं आपस में, है ना। बिल्कुल, आपको अपने उत्तर का जो पहला 20 से 30 मिनट है, आपके उत्तर का पहला जो 20 से 30 मिनट है ना, आपको केवल फ्रेमवर्क ही बनाना है। आपको अपने उत्तर का पहला 30 मिनट केवल फ्रेमवर्क ही बनाना है, समझ गए बात, ठीक है ना। बढ़िया, चलो अब और आते हैं। आर्म्स रेस, जो शस्त्र का रेस होता है वो चल रहा होता है किसके बीच में, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, यूएस चाइना, यूएस रशिया। सोचो चाइना के कारण
यूएसए कई सारी ट्रीटी से बाहर आता जा रहा है। पहला है आईएनएफ ट्रीटी, इंटरमीडिएट रेंज जो आपका मिसाइल है वो ट्रीटी। दूसरा है स्टार्ट, है ना। तो कई सारे जो जो डील साइन हुए थे, कि जो आपके एग्रीमेंट साइन हुए थे रूस और यूएसए के बीच में, उससे यूएसए नहीं कर रहा रिन्यू, उससे यूएसए बाहर आ रहा, क्योंकि उसको लगता है कि हमारा जो डील है वो रशिया के साथ है। रशिया अब हमारा मेन दुश्मन नहीं है, रशिया को तो हम संभाल लेंगे। मेन दुश्मन मेरा चाइना है, चाइना पर डील अप्लाई नहीं होती है तो चाइना अपना बढ़ाता रहेगा आर्सेनल और यूएसए नीचा रह जाएगा, है ना। कम्युनलिज्म, कोलोनाइजेशन, ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल राज किया। ब्रिटेन ने, देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका आठवां पॉइंट क्या हो जाएगा, आठवां पॉइंट हो जाएगा उपनिवेश वाद। आठवां पॉइंट है आपका उपनिवेशवाद। भारत पर उन्होंने 200 साल राज किया। अगर हम लोग ये सोच करके ब्रिटेन को अपना दुश्मन मान लेंगे तो हम हमेशा उसके साथ दुश्मनी से ही रहेंगे। क्या हमने ऐसा किया? नहीं, ब्रिटेन को हमने दुश्मन नहीं माना, हमने उनको क्षमा कर दिया। हमने आंख का बदला आंख से नहीं लिया, हमने ये नहीं कहा कि तुमने हमको गुलाम बना कर रखा, हमको लूट लिया एकदम, तो हम तुम पर अटैक कर देंगे, हमला कर देंगे। नहीं, हमने जो नॉर्मल रिश्ते हैं वो बना कर रखा उनके साथ। क्लियर है। दूसरी बात, यूएसए ने जब वहां से गेहूं का इंपोर्ट बंद कर दिया था, जब हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई थी ना, उससे पहले की मैं बात कर रहा, हरित क्रांति तो बाद में हुई थी जब जरूरत, जब ज़्यादा जरूरत पड़ी थी, उसके पहले गेहूं का होता था इंपोर्ट यूएसए से, ठीक है ना। तो गेहूं देने के बदले यूएसए भारत की पॉलिसी को कंट्रोल किया करता था, ठीक है। तो यहां पर क्या हमने ये बदला लिया है यूएसए? नहीं, बदला नहीं लिया हमने, है ना। तो यहां पर ये बातें हैं। अच्छा, काउंटर में क्या होगा सर? काउंटर में दे सकते हैं कि जो धमकी होता है, जो बदला होता है, बदला केवल बलशाली का ही प्रवृत्ति होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक विषहीन भुजंग धमकी नहीं दे सकता। विषहीन का मतलब होता है पॉइजनलेस, भुजंग का मतलब होता है सांप। जिस सांप में विष है ही नहीं, वो क्या आपको धमकी देगा, वो क्या बदला लेगा, क्या क्षमा करेगा? क्षमा वही कर सकता है ना जिसके पास ताकत है, समझ रहे हो। क्षमा कौन कर सकता है? जिसके पास ताकत है। बलशाली के पास ही क्षमा का गुण होता है, कमजोर क्षमा कर ही नहीं सकता, उसके पास गुण ही नहीं है, समझ रहे हो बात। तो यहां पर आप दे सकते हैं एग्जाम्पल कि कई सारे कंट्री जो हैं वो मजबूरी में क्षमा किए, मजबूरी में उन्होंने अपना जो कदम है उसको उठाया, ठीक है। आपको लैपटॉप में क्लियर नहीं दिख रहा, आप जो वो है रेजोल्यूशन हाई कीजिए, अपना 720 पिक्सल पर कर लीजिए या 40 पिक्सल पर कर लीजिए, आपको साफ दिखेगा एकदम, ठीक है। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। यहां पर देखो, नौवा केस आपका हो गया साउथ कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का। अरे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूएसए जापान, जो कंट्री आप पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा, जो कंट्री आप पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा, क्या आप कभी उसका दोस्त बन सकते हैं? जो कंट्री आप पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा, क्या आप उसका दोस्त बन सकते हैं कभी? नहीं, नहीं बन सकते। मगर देखो, यहां पर यूएसए और जापान आपस में एलाई हैं, क्वाड का पार्ट हैं, समझ गए, क्वाड का पार्ट हैं, ठीक है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल है। हाँ, ये शायद रामधारी सिंह जिनकी है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, उसी की है ना जी, हैं, रश्मि रथी।
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, गरल का मतलब होता है विष, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल है। ठीक है, बढ़िया, समझ गए बात। तो यहां पर आप इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, अरहत इंडियन के पास काफी ताकत है जिसके बाद इंडिया पाकिस्तान को समाना करता है, बहुत अच्छा एग्जांपल। ठीक है, तो यहां पे आप इन सभी एग्जांपल को सोचो, 10 एग्जांपल अगर आप 10 को हम मेंशन करते हैं तो कम से कम 10 पैराग्राफ तो होगा ही। अब सोचो मेरा एक पैराग्राफ कितने वर्ड का है, आपके एक पैराग्राफ में कम से कम आपके 100 वर्ड आएंगे। ठीक ना, अगर एक लाइन में अगर आप 10 लाइन लिख, जैसे कि अगर एक लाइन में आप 10 वर्ड लिख पाते हैं तो आप 100 लाइन लिख देंगे वहां, 10 लाइन लिख देंगे वहां पर, 100 वर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर 10 एग्जांपल हो गया प्लस आपके पास कुछ और कंटेंट हो जाएगा, आपका 1200 वर्ड आराम से पहुंच जाएगा, आपका 1200 वर्ड आराम से पहुंच जाएगा। भारत नेपाल संबंध तो ठीक है, चलो और कौन से पॉइंट है वो देखते हैं। और कौन से पॉइंट है जी, ट्रेड वॉर यूएसए, मैंने बताया आपको ट्रेड वॉर यूएसए। ठीक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, जॉब लॉस, वर्ल्ड इकोनॉमी सफर्ड, ये बताया जा रहा मैंने कॉन्सिक्वेंस कि यूएस चाइना के ट्रेड वार से कौन कैसे कैसे दुनिया अंधी हो रही है, दुनिया अंधी कैसे हो रही है वो मैंने बताया है। अब देखो मैंने इसको डिवाइड किया था अलग अलग लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे जो आपका सब कॉन्टिनेंट लेवल है इस पर क्या क्या इशू है, जो नेशनल लेवल है यहाँ क्या क्या इशू है, स्टेट लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर और फैमिली लेवल पर, ये जो 6 लेवल हैं हमारे समाज के उसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका नेशनल लेवल पर इशू हो सकता है केरला, केरला और जो आपका कर्नाटका का जो इशू है, जो तमिलनाडु का जो इशू है ना, ये सब जो वाटर शेयरिंग इशू है वो आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात जो हमारे यहाँ नफरत है, जैसे कि जो नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं, बिहार के लोग, उसको भगाते हैं महाराष्ट्र से, तो वैसा ही काम कर सकते हैं दूसरी जगह पर, जो दिल्ली है वहाँ से भगाओ मराठियों को, है ना। तो ये क्या होगा, ये तो बदले की भावना होगा एक तरह से। ठीक है जी, हाँ मैंने ब्रिटेन इंडिया का एग्जाम्पल दे दिया है, आप कहाँ थे अभी तक के, जो ब्रिटेन इंडिया का मैंने एग्जाम्पल दिया ना अभी कि आखिर ब्रिटेन से भारत क्यों नहीं कहता कि तुमने हमको इतना साल गुलाम बनाया था, हम तुमसे लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। यहां पर लिखा हुआ नहीं है, देखो यहां पर लिखा हुआ उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद इंडिया यूके, ठीक है ना, समझ गए। और क्या है फैमिली लेवल का एग्जाम्पल, फैमिली लेवल में एग्जाम्पल क्या है, जो भाई भाई में लड़ाई होता है उसको दे सकते हैं आप, जो फैमिली है ना, फैमिली पर एग्जाम्पल क्या है, भाई भाई की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई है ना। और क्या, जो आपका संस्था है वहां पर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में भिड़ंत होती है बजट के लिए, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है ना वहां पर होती है भिड़ंत बजट के लिए कि हमको ज्यादा चाहिए, आपको बोलते हैं हमको ज्यादा चाहिए, तो इसी कारण से आपके जो रिसोर्स हैं उसका प्रॉपर रचना नहीं हो पाता, मतलब कि रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, समझ गए बात, क्लियर है, बढ़िया है ना। पृथ्वी राजपूत पूछ रहे हैं सर टेस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, यदि हो तो कौन सा लें, क्या आपको लगता है कि किसी टेस्ट्रीज में आपको ऐसे बताएगा बिठा करके कि कहां पर क्या लिखना है, कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हैं आप, अगर पैसे हो तो मेरे अकाउंट में भेज देना, ठीक है ना,
क्लियर है, मैं पढ़ा दूंगा आपको ऐसे, ठीक है। चलो ये तो बातें हो गई, कौन कौन से पॉइंट यहां पर हो गया, तो फैमिली के लेवल पर, संस्थागत स्तर पर, राज्य के स्तर पर, नेशनल लेवल पर, सब कॉन्टिनेंट लेवल पर क्या हो गया आपका, इंडिया पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान, ये हो गया ना, इंडो श्रीलंका, ठीक। तो यहां पर ये सारी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, इन्हीं एग्जाम्पल को लेकर के मैंने सारा जो ये एसे है वो लिखा है, ध्यान से देखो, इस एसे में मैंने यही सारे एग्जाम्पल को यहां पर लिखा है, ठीक है। पहला मैंने कवर कर दिया दंगा, पहला मैंने कवर कर दिया दंगा, स्कोर्स वेयर सेटल्ड। दूसरी बात, यहां पे जो अगला एग्जाम्पल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स इंटर रिलेशन, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, अफ्रीका वॉज स्क्रैम्बल्ड बाय डिफरेंट इंपीरियल पावर एमंग देम सेल्फ, सिमिलरली चाइना वॉज एन इंडस्ट्रियल कॉलोनी, इन द बिगिनिंग फेज ऑफ इंपीरियलिज्म वेन वन इंपीरियल स्टेट लॉस्ट वन कॉलोनी इट हैड अदर रीजन्स टू कॉलोनाइज, बट इन द लेटर फेज देर वेर नो रीजन लेफ्ट टू कॉलोनाइज, दैट्स वाई लॉस ऑफ वन पावर बिकेम द गेन ऑफ द अनदर। चूंकि अब लूटने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या करेगा जो कंट्री है आपस में वो लूट मट मचाएगा, जैसे कि जो मेरा है वो पकड़ा हुआ रहेगा वो, है ना। जैसे कि मान लो कि खेलते हैं ना वो खेल, जहां पर कुर्सी लगी होती है, लोग घूमते हैं और स्टॉप बोलते ही वो लोग जाकर कुर्सी बैठ जाते हैं, अगर कुर्सी ढेर सारी है तो अगर आप धीरे धीरे भी घूमेंगे, ठीक है, अगर आप धीरे धीरे दौड़ के बैठेंगे तो आपको कुर्सी मिल जाएगी, मगर कुर्सी हो ही नहीं, बहुत कम कुर्सी हो, तो क्या करेंगे आप, भागते फिरेंगे, है ना, ताकि कुर्सी हम उस पर हम कब्जा कर सकें। तो यहां पर जो कॉलोनी है उनके लिए कन्फ्लिक्ट हुआ था आई फॉर एन आई। देखो मैंने हर एग्जाम्पल में आई फॉर एन आई को स्ट्रेस दिया है, मैंने हर एग्जाम्पल में इसको स्ट्रेस दिया है ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूं, मैं पॉइंट उसको डील कर रहा हूं, क्लियर है, ठीक है ना। फिर मैंने दिया एग्जाम्पल आपको वर्ल्ड वॉर टू का, जो एलाइज हैं, एक्सिस पावर हैं, उनका मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। चलो फिर यहां पर जो रूस पर जो ट्रीटी रखी, ध्यान सुनना, वर्ल्ड वॉर वन में जब रशिया युद्ध से बाहर निकलना चाह रहा था, वर्ल्ड वॉर वन में जब रूस वर्ल्ड वॉर वन से बाहर निकलना चाह रहा था, तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने उस पर बहुत ही कड़ा ट्रीटी लगाया था, जर्मनी ने रसिया पर बहुत ही कड़ा ट्रीटी लगाया था। अब रूस तो निकल गया, फंस गया जर्मनी, अब जर्मनी जब हारा तो एलाइज कंट्री ने जर्मनी से सारा जो पैसा है वसूल किया, ठीक है, एलाइज ने जर्मनी से जो सारा जो जुल्म किया था रशिया पे सब वसूला इससे, अब क्यों दुख रहा है आपको, जब वसूल रहा है आपको, अब तो पूरे मजे वसूल थे जर्मनी से, है ना। तो यहां पर आंख के बदले जो आंख है वो लिया जा रहा है, ठीक है, रूस का जो वहां पर बेइज्जती हुआ था उसके बदले जर्मनी से सब कुछ वसूला जा रहा है वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ठीक है ना। ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होती है, जर्मनी को इंक्लूड किया जाता है, अनदर आई वॉज टेकन। तो यहां पर किस तरह से हमने दिखाया है कि जो दोनों आंखें वो जा रही हैं और विश्व आपका अंधा हो रहा है, समझ गए, क्लियर है, बढ़िया। तो इस तरह से आपको जो आंसर है वो लिखना है पार्ट बाय पार्ट, आपको हर एग्जाम्पल को यहां पर मेंशन करते चलना है। देखो यहां पर अब हम आ गए यहां पर वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, एट द यूएन वी वन नेशन वोट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर नेशन, देन द सफरिंग नेशन ऑल्सो पेज बैक लेटर एंड दिस वे दे बोथ सफर। फॉर एग्जाम्पल चाइना जो है वो वोट करता है भारत के खिलाफ एनएसजी में, सप्लायर ग्रुप में, और यूएनएससी में भी, तो भारत भी करता है उसके खिलाफ वोट, मगर यहां पर नुकसान दोनों को हो रहा है, कोई जीत तो रहा नहीं है, तो ये समस्या है, ठीक। चलो तो ये आपके हो गए पॉइंट, इन सब पॉइंट को आपको लिख करके आपको ऐसे में लिखना था। तो ये सारे पॉइंट हैं आपको मैंने कॉपी पहले ही दे दिया है ताकि आप एक बार पढ़ करके समझ लें कि हाँ
मेरी कॉपी में कैसे कैसे पॉइंट होने चाहिए थे, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अब करते क्या हैं, हम लोग कुछ उत्तर देखते हैं टॉपर्स का और समझते हैं कि आखिर कैसे वो लोग अपने उत्तर को लिखते हैं। टॉपर अपने उत्तर कैसे लिखते हैं वो समझते हैं पहले, ठीक है। चलो, ये जो ऐसे है वो है वैभव का, जिनका रैंक था 25, ऑल इंडिया रैंक 25 रैंक था इनका, 25 रैंक है, इनके उत्तर को देखते हैं। पहला इनका उत्तर है यूएन रिफॉर्म पर, जो संयुक्त राष्ट्र में जो रिफॉर्म है उसके बारे में, क्या ये एक बहुत ही इंतज़ार किया जाने वाला चीज़ है, क्या हमें काफ़ी इंतज़ार है इसका यूएन में रिफॉर्म का, तो आपको यहाँ पर लिखना है इसके बारे में, जो यूएन में रिफॉर्म है उसका इंतज़ार क्यों है, क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म इन लोगों ने किए हैं, अगर किए हैं तो, ठीक है, बढ़िया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। बोर तो नहीं हो रहे? अरे बोर तो नहीं हो रहे है? चलो कोई बात नहीं, इसको आप समेटते हैं यहां पे। तो यूएन का जो रिफॉर्म है इसके बारे में बताया है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो जनरल स्टडीज है, आपका जो जीएस है ना, आप जब जीएस की तैयारी करते हैं तो आपका जो कंटेंट है एसे के लिए वो तैयार हो जाता है। क्या होता है, निबंध के लिए आपका जो कंटेंट है तैयार हो जाता है, आपको बस लिखने आना चाहिए, आपको बस लिखने आना चाहिए। तो इसी कारण से हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं ऐसे का। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग करते हैं प्रैक्टिस ऐसे का। देखो कैसे शुरू किया है इन्होंने, वह ने शुरू किया है जो अपना अखबार का जो हेडलाइन है वो दे करके। उन्होंने कहा सम ऑफ द नेशनल डेली हैड फॉलोइंग हेडलाइंस इन द रिसेंट पास्ट, यूएसए ने, यूएसए पुल्स आउट ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील, यूएसए जो ईरान डील है उसे बाहर आ गया है, दूसरा जो सऊदी अरेबिया है उसने अटैक कर दिया है यमीन पर, जो नॉर्थ कोरिया का जो आपका नाभिकीय हथियार है उसने धमकी दी है कि जो गुआम है इसको हम हिट करेंगे। गुआम किसका है, गुआम यहाँ पर यूएसए का है। यहाँ पे यूएसए एंड चाइना लॉन्चेस फ्रेश सेट ऑफ टैरिफ ऑन ईच अदर डीपनिंग द ट्रेड वॉर। तो यहाँ पर आपका जो समस्या है वो यहाँ पर बताई गई है। एक बात और, यूएन में क्या क्या समस्याएं हैं, समस्या को सॉल्व करने के लिए ही तो रिफॉर्म होता है, तो पहले बताओ कि समस्या क्या है, ठीक है। समस्या बताने के बाद आप बताएंगे कि हमें जरूरत क्यों है यूएनएससी में रिफॉर्म की, यूएन में रिफॉर्म की हमें जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड, ठीक है, और क्या इसके बाद क्या। ऐसे में आपको जो मन करे वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसे में आप पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ कुछ, मगर सारा नहीं, पूरा ऐसे जीएस में बना देना। पॉइंट फॉर्म में इन्होंने केवल एग्जांपल लिखा है, उसके बाद इनका पूरा जो ऐसे है ना वो पैराग्राफ फॉर्म में ही है, ठीक है, इनका पूरा फॉर्म पैराग्राफ फॉर्म में है। तो ऐसे आपको निबंध की तरह ही लिखना है, ठीक है। क्लियर है यहां पे? अब देखो यहां पे इन्होंने जो सारा रिफॉर्म जो जरूरत है ना उसको लिख दिया। फर्स्ट रिफॉर्म इज नेसेसरी इन द यूएन चार्टर इटसेल्फ, कहां कहां पर रिफॉर्म चाहिए, यूएन का चार्टर है वहां पर रिफॉर्म चाहिए, जो यूएनएससी है यहां पर रिफॉर्म चाहिए, अलग अलग जो संस्थाएं हैं यूएन की वहां पर इनको रिफॉर्म चाहिए। ठीक है, जो आर्टिकल 2 है चार्टर का वो यूएन को किसी कंट्री के डोमेस्टिक अफेयर में इंटरवीन करने का परमिशन नहीं देता,
ठीक है ना। मतलब कि यूएन किसी कंट्री का जो इंटरनल मैटर है वहां पर नहीं कर सकता इंटरवीन, उसको इजाजत नहीं है आर्टिकल 2 के अंतर्गत। तो यहां पर आपको होना चाहिए अमेंडमेंट। पहली बात, जो यूएन है उसको होना चाहिए ओवरराइडिंग पावर कि कोई कंट्री में अगर कोई तानाशाह है, अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ठीक है, बढ़िया। हाँ कस्तूरी पूछिए। तो यहाँ पर आपकी ये बातें हैं जैसे कि रवांडन जेनोसाइड, रेफरेंस ऑफ इनेमियस स्टेट। फिर यहाँ पर अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन, एक पॉइंट यहाँ पर और है। जो यहाँ पे पाकिस्तान ने हमको मोस्ट फेवर्ड नेशन, पाकिस्तान ने हमको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया, याद है? या आप एक और ले लो, फ्रेंडशिप, 12 नंबर पॉइंट, फ्रेंडशिप। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान को नहीं दिया, मतलब पाकिस्तान ने दिया भारत को, मगर भारत ने दिया पाकिस्तान को दर्जा MFN का। तो यहां पर सब बातें हैं। अच्छा, ये जो पेपर है वो है यूपीएससी मेंस 2019 का, पहले ही दिन पेपर हुआ था। ठीक है, चलो यहाँ पर ऐसे कौन से लिखना है आपको, यहाँ पर ये बताया गया है आपको, इन दोनों, इन 8ों में से कोई दो ऐसे आपको चुनकर लिखना है। एक आप चुनेंगे इसमें से, एक आप चुनेंगे इसमें से। ठीक है, तो जो मैंने चुना था एग्जाम हॉल में वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज, राइज ऑफ AI, द थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी थ्रू रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। क्लियर है? तो यहां पर ये बातें हैं। मैंने चुना था 8 नंबर, मैंने चुना था यहां पर 4 नंबर, 4 और 8 मैंने यहां पर चुना था। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? देखो मेरा जो आंसर है, ये आंसर मेरा गया है कितने पेज में, मेरा आंसर गया है आपके 32 पेज में। ठीक है ना, 32 पेज में मेरा जो आंसर है वो गया है। और मैं कितना लाइन लिखता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, और 15 6 75। ठीक है ना, मतलब 75 होता है, 15 6 90 होता है 90। तो 90 वर्ड हमारे यहाँ पर, 15 5 75, 15 6 90। ठीक ना, तो यहाँ पर आपका जो, यहाँ 90 वर्ड में लिख रहा हूँ एक पेज में, तो 2 वर्ड, 2 पेज में हो गया 180, मोटा मोटी 200 मान लो। तो एक पेज में मैं लिख रहा हूँ 200, तो 6 पेज, मतलब 6 दूना 12, 12 लिख सकते हैं। यहाँ पर दो आंसर यहाँ पर लिखे गए हैं। नहीं, ये तो 13 पेज, सॉरी ये 13 पेज है जी, 32 पेज नहीं है, ये 13 पेज है। 32 पेज तो उनका था, दो ऐसे का। ठीक है, 13 पेज, 13 पेज का ऐसे है, आप इतना लिखना होता है। तो 13 पेज क्या है, कुछ नहीं है। सोचो 13 पेज पहला ऐसे, 13 पेज दूसरा ऐसे, 13 दूना 26 पेज, कुछ नहीं है जी 26 पेज। मेंस में हम लोग एक आंसर लिखते हैं 2 पेज में, 20 पेज होता है, मतलब कि 46 पेज। जीएस पेपर में हम लोग 46 से ऊपर पेज लिखते हैं, हाथ सूज जाता है लिखते लिखते एग्जाम वालों में। ठीक है ना, तो आपको मैं संडे को दोबारा एक ऐसे दूंगा, और उस ऐसे में क्या क्या पॉइंट है मैं आपको डिस्कस करूंगा और कैसे लिखना है आपको, मैं टॉपर की कॉपी देख करके बताऊंगा। ठीक है ना, अब का जो ऐसे होगा वो टॉपर की कॉपी से होगा, और टॉपर ऐसे कैसे लिखते हैं वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो जो कल का सवाल है वो है आपका यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर का सवाल है, सवाल कह रहा है इनुमरेट द सालियंट फीचर्स ऑफ भक्ति मोमेंट
इन द मिडिएवल पीरियड कमेंट ऑन इट्स रोल इन द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडिया। सवाल कह रहा है कि जो भक्ति मोमेंट है इसका जो मेन मेन फीचर है मध्यकालीन भारत में वो बताइए। पहला है कि इसका जो फीचर है ना वो बताइए। दूसरी बात, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं इनके प्रचार प्रसार में भक्ति का क्या रोल रहा है। तो यहाँ पर सवाल में दो बात पूछा गया है आपसे। पहला, भक्ति आंदोलन का बेसिक फीचर क्या है। दूसरा, क्षेत्रीय भाषा के प्रचार प्रसार में उसके डेवलपमेंट में इनका क्या रोल रहा है। आपके 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड में आपको इसका जवाब लिखना है। आप लिख करके सबमिट कीजिएगा, कल आपको इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो मिल जाएगा। आपको कल इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपने लाइक कर दिया होगा वीडियो। हम लोग मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।